हेलो लर्नर्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल द वर्ल्ड क्लास ऑनलाइन लेक्चर्स एंड आई एम योर होस्ट दिनेश कुमार। आज हम करेंगे क्लास प्लस टू का बिजनेस स्टडी में हमारा नेक्स्ट चैप्टर जो है हमारा प्लानिंग। और प्लानिंग में सबसे पहले प्लानिंग की डेफिनेशन कि प्लानिंग मतलब नियोजन होता क्या है। तो प्लानिंग क्या है, एक इंटेक्चुअल प्रोसेस है, कॉन्शीशियस डिटर्मिनेशन ऑफ कॉज एंड एक्शन एंड द बेसिस ऑफ डिसीजन ऑन द पर्पस फैक्ट्स एंड कंसिडर्ड एस्टिमेट्स। यानी कि प्लानिंग है क्या, सबसे पहला काम कि प्लानिंग में ये डिसाइड किया जाता है कि प्रोसेस स्टार्ट कहाँ से होगा, ठीक है, क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है, कौन करेगा, ये सब चीज़ें अगर हम पहले ही एस्टीमेट लगा लें, इसका अनुमान लगा लें, अंदाज़ा लगा लें, तो उसे हम क्या कहते हैं, प्लानिंग कहते हैं। मतलब हर चीज़ प्लानिंग के हिसाब से चलना, प्लान करके चलना, प्लान बना के अगर आप कोई काम करोगे तो ये हम कंफर्म हो जाते हैं कि हाँ हमें क्या रिजल्ट्स मिलेंगे, हमें पहले ही पता रहते हैं और एक तरह के हमारे स्टैंडर्ड डिसाइड हो जाते हैं कि किसने क्या काम करना है और कितना करना है, ठीक है, उसी के हिसाब से सब लोग अपने काम को करेंगे। तो ये था हमारा प्लानिंग का डेफिनेशन। उसके बाद प्लानिंग का मीनिंग, प्लानिंग के मीनिंग में सबसे पहले ये हमें क्या करता है कि प्लानिंग क्या है, डिसाइड करता है एडवांस में क्या कि व्हाट टू डू एंड हाउ इट टू डू, मतलब क्या करना है, कैसे करना है। अगर हम इसको पहले ही डिसाइड कर लें तो उसे क्या कहते हैं, प्लानिंग कहते हैं, ठीक है। उसके बाद बेसिक मैनेजरल फंक्शंस, मतलब मैनेजमेंट का सबसे पहला मैनेजमेंट का काम क्या रहता है, प्लानिंग करना रहता है कि हमारे क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है। तो मैनेजमेंट का सबसे पहला काम है हमारा प्लानिंग करना। और दूसरी चीज़, इट इन्वॉल्व द सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स, डेवलपिंग द एप्रोप्रिएट कोर्सेज एंड एक्शन टू अचीव दीज ऑब्जेक्टिव्स। यानी कि सबसे पहले हम ये डिसाइड करेंगे कि हमारे उद्देश्य क्या हैं, भी हमारे फर्म के जो मेन टारगेट हैं, मेन गोल हैं, वो क्या हैं, ताकि हम उसको पूरा करने के लिए ही क्या करने वाले हैं, प्लानिंग करेंगे, नियोजन करेंगे कि क्या ले कि कैसे हम अपने ऑब्जेक्टिव्स को पूरा कर सकें। फिर डेवलप करना है हमें अपने एक्शंस को, मतलब जो हम काम करते हैं उनको बेहतर तरीके से करना, यही है प्लानिंग, ठीक है, ताकि हम अपने जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उन्हें क्या कर सकें, अचीव कर सकें। उसके बाद प्लान क्या होते हैं, डेवलप हैज़ टू हैव अ गिवन टाइम फ्रेम एंड बट टाइम इज़ अ लिमिटेड रिसोर्स, इट नीड्स यूटिलाइज्ड जुडिशियल्स। मतलब आपके पास जो टाइम है सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, और वो क्या है, बहुत कम है, और उस कम समय में अच्छे से समय हमारे इस रिसोर्स को यूटिलाइज़ करना, जितने साधन हैं वो क्या है, लिमिटेड हैं, ठीक है, समय भी क्या है, लिमिटेड है, और उन दोनों को मिलाना है अपने को, ठीक है, और अपने सारे टारगेट्स को क्या करना है, अचीव करना है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, हर चीज़ की प्लानिंग करते हैं, ठीक है। हम करेंगे इस लेक्चर में प्लानिंग की फीचर्स। तो फीचर्स ऑफ प्लानिंग में सबसे पहले क्या आता है, प्लानिंग क्या करता है, फोकस करता है, किस चीज़ पर फोकस करता है, टू अचीविंग द ऑब्जेक्ट्स। तो हमारे ये लिखा है कि जो हमारा प्लानिंग है वो क्या करता है, फोकस करता है टू अचीविंग द ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, यानी कि मेन टारगेट हमारा क्या है, हमारे ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करना, और उसको पूरा करने के लिए ही हम क्या करते हैं, प्लान करते हैं, प्लान बनाते हैं, ठीक है, उस प्लान को लागू भी करते हैं। तो ऑर्गेनाइजेशन में सेटअप करना विद द जनरल गोल्स, स्पेसिफिक गोल्स और विद द प्लान्स एंड एक्टिविटीज़ टू बी अंडरटेकन टू अचीव दीज गोल्स। यानी कि हमारे पास सबसे पहले इंपॉर्टेंट कार्य हमारे जो जर्नल गोल्स हैं, जो हर फर्म के होते हैं, वो हमारे भी गोल्स हैं कि हमने कैसे अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है, ठीक है, और कुछ हमारे स्पेशल गोल भी हैं, यानी कि इस बार हमारी सेल्स क्या होनी चाहिए, प्लस होनी चाहिए 5 लाख से, 5 लाख से ज़्यादा हमारी इस बार क्या होनी चाहिए, सेल होनी ही चाहिए। तो कुछ स्पेशल गोल भी होंगे हमारे, फिर उन्हीं के लिए हम क्या करते हैं, प्लान बनाते हैं, ठीक है, और जितनी भी एक्टिविटीज़ हमें करनी है उनको पहले ही सोच लेना कि हम अपने गोल को अचीव करने के लिए क्या क्या करेंगे, कब करेंगे और कैसे करेंगे। इसीलिए कहते हैं कि जो हमारा प्लानिंग होता है वो क्या करता है, फोकस करता है मोस्टली इस पर, हमारे ऑब्जेक्ट्स को, हमारे उद्देश्यों को पूरा करने पर ध्यान दिया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा, प्लानिंग क्या करता है, इज़ अ प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। यानी कि मैनेजमेंट एक प्राइमरी फंक्शन है, पहला काम है मैनेजमेंट का। अगर आपकी फर्म में जो मैनेजमेंट है वो मैनेज करना चाहता है आपकी फर्म को, हर चीज़ को बेस्ट बनाना चाहता है, तो मैनेजमेंट को सबसे पहला काम क्या करना होगा, प्लानिंग करना होगा। जब हम मैनेजमेंट के 5 फंक्शन पढ़ते हैं, उन 5ों में भी सबसे पहला कौन सा है, हमारा प्लानिंग ही है। प्लानिंग लेज डाउन द बेस ऑफ अदर फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, हर फंक्शंस का, मैनेजमेंट के जितनी 5ों फंक्शंस हैं, उसके बाद हम मैनेजमेंट के बाद हम क्या करते हैं, सबसे पहले प्लानिंग करते हैं, फिर ऑर्गेनाइजिंग, फिर स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, फिर रिक्रूटमेंट और वगैरह वगैरह, कंट्रोलिंग वगैरह करते हैं, सारे काम बाद में होंगे, सबसे पहले क्या होगा, प्लानिंग होगा। प्लानिंग के बिना वो काम हो ही नहीं सकते। तो मैनेजमेंट में फंक्शंस में सबसे पहला काम है हमारा प्लानिंग करना, और मैनेजमेंट यही करता है, सबसे पहले अपने क्या करते हैं, प्लान्स ही बनाता है। आगे है हमारा, प्लानिंग क्या है, एक प्रेसिव है। प्रेसिव मतलब क्या होता है,
कहता है, ये हर जगह विद्यमान है। कोई भी काम हो मैनेजमेंट के हर लेवल पे, चाहे छोटा मैनेजर हो चाहे बड़ा मैनेजमेंट हो, कोई भी मैनेजमेंट का लेवल हो, हर लेवल पे प्लानिंग क्या है बहुत ज़रूरी है। हर कोई प्लान बनाता ही है, चाहे कोई मैनेजमेंट का कोई भी लेवल क्यों ना हो, कोई भी डिपार्टमेंट क्यों ना हो, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हर डिपार्टमेंट अपने हर लेवल पर क्या तैयार करता है, प्लानिंग तैयार करता है, प्लान तैयार करता है। अब द स्कोप ऑफ प्लानिंग इज़ डिफरेंट एट द डिफरेंट लेवल एंड द डिफरेंट डिपार्टमेंट, बट हाँ ये बात है कि हर डिपार्टमेंट का अपना एक अलग मैनेजमेंट होता है और हर मैनेजमेंट का अपना एक अलग टारगेट होता है, तो उनके काम करने का तरीका भी क्या होगा, सबका अलग अलग होगा। तो यानी कि हम ये कह सकते हैं प्लानिंग तो हर कोई करेगा, बट सभी अपने हिसाब से, अपने डिपार्टमेंट के हिसाब से करेंगे। हर डिपार्टमेंट के मैनेजमेंट क्या करेंगे, अपने आप को मैनेज करेंगे और उस मैनेजमेंट के लिए वो क्या करेंगे, प्लानिंग तो करेंगे ही करेंगे। यानी कि मैनेजमेंट क्या हो गया, अब प्रेसिव फंक्शन हो गया, हर जगह विद्यमान, हर लेवल पर मैनेजमेंट में क्या किया जाता है, प्लानिंग तो ज़रूरी है। नेक्स्ट हमारा फोर्थ पॉइंट, प्लानिंग क्या है, कॉन्टिन्यूस है। कॉन्टिन्यूस का मतलब होता है लगातार चलने वाला काम। प्लानिंग कभी एक दिन नहीं होता, दो दिन नहीं होगा, आपका पूरा लगातार बिजनेस जब तक चल रहा है ना, तब तक प्लानिंग भी चलती रहेगी। मान लो आपने एक काम करना है, उसके लिए आपने प्लान तैयार कर लिया, जब वो काम पूरा हो गया वो प्लान ख़त्म, अब नए काम डिसाइड होंगे, नए काम करोगे तो नए दोबारा सिरे से हम दोबारा फिर क्या करेंगे, प्लानिंग करेंगे। तो कॉन्टिन्यूटी बनी रहती है, प्लानिंग होती ही रहेगी, कभी नहीं रुकती प्लानिंग, क्योंकि एक साइकिल में बनी हुई है। साइकिल का मतलब क्या होता है, एक सर्कल, सर्कल मतलब ये काम चलता ही रहता है, ठीक है, सर्कल का कोई एंड नहीं, कोई स्टार्टिंग नहीं। तो प्लानिंग भी यही है, बिजनेस स्टार्ट होते ही प्लानिंग शुरू होगी और ये लगातार चलती ही रहेगी, क्योंकि जब तक हमें टारगेट्स मिलते रहेंगे तब तक हमारी प्लानिंग बहुत ज़रूरी है। प्लानिंग क्या करती है, एक फ्रेम तैयार करती है, इंप्लीमेंट तैयार करती है और फॉलोड बाय द अनदर प्लान्स। पहले हमने जो प्लान बना रखे हैं उनको ध्यान में रखते हुए हम नए नए प्लान्स बनाते रहते हैं, उनको अचीव करते रहते हैं। जब प्लान अचीव हो गया, नया काम फिर से आ जाएगा, हम दोबारा फिर से प्लानिंग करेंगे। बस यही प्रोसेस हमारा लगातार चलता रहता है, इसीलिए कहते हैं प्लानिंग क्या होती है, एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, लगातार चलने वाला काम है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा प्लानिंग क्या है, फ्यूचरिस्टिक है, भविष्यवादी है, मतलब ये फ्यूचर में देखता है प्लानिंग। देखो आज मैंने डिसाइड कर लिया, अभी तुमने ये काम करना है, मतलब वो अभी नहीं कर रहा, आगे करेगा, मतलब फ्यूचर की बात चल रही है ना। तो प्लानिंग में यही चीज़ है, क्या कि प्लानिंग क्या करती है, फ्यूचरवादी है, पहले देख लेती है कि आगे आने वाले टाइम में क्या होना है और कौन करेगा, कैसे करेगा। द पर्पज़ ऑफ द प्लानिंग इज़ टू मीट, क्या करती है, फ्यूचर इवेंट्स इफेक्टिवली एंड द बेस्ट एडवांटेज ऑन एन ऑर्गेनाइजेशन। मतलब आप अपने ऑर्गेनाइजेशन को जो भी बेनिफिट्स हमें मिल सकते थे उनको उठाना है हमें, और उसके लिए हम क्या करते हैं, प्लानिंग करते हैं, ठीक है। प्लानिंग क्या करती है, इन्वॉल्व्स फॉरकास्टिंग फ्यूचर इवेंट्स एंड कंडीशंस एंड ड्राफ्टिंग द प्लान्स अकॉर्डिंगली। सबसे पहले हमारे फर्म के अंदर कौन कौन से इवेंट होने हैं, ठीक है, फ्यूचर में क्या क्या इवेंट होने हैं और कौन कौन सी कंडीशंस हमारे फर्म में रहेंगी, उन सबको ध्यान में रखते हुए ही हम क्या तैयार करते हैं, अपने सारे प्लान्स तैयार करते हैं। तो प्लानिंग करना क्या होता है, फ्यूचरिस्टिक होता है, भविष्यवादी है कि आगे आने वाले समय में क्या होने वाला है, उसी को ध्यान में रख के क्या की जाती है, हमारी प्लानिंग की जाती है, ठीक है। उसके बाद है हमारा नेक्स्ट पॉइंट, वो है सिक्स, वो है प्लानिंग क्या करती है, इन्वॉल्व करती है डिसीजन मेकिंग। प्लानिंग क्या करता है, हमें एक डिसीजन लेने में मदद करता है। देखो आपके पास मान लीजिए प्लस टू आपने कर ली है, उसके बाद आपके पास ऑप्शन आएंगे कि मुझे क्या करना है, आप बीए कर सकते हो, बीकॉम कर सकते हो, ठीक है, एलएलबी लॉ कर सकते हो। तो जब तक आपने क्या किया, डिसीजन नहीं ले लेते, तब तक हमारा क्या है, प्लानिंग भी सक्सेसफुल नहीं होती। आपने फ्यूचर प्लान कर लिया, भाई देखो मुझे तो अब बीकॉम लेनी है, उसके बाद मुझे एमकॉम करना है और मुझे टीचर बनना है, तो ठीक है आपने पहले डिसाइड कर लिया ना, तो कर लिया प्लान आपने। जैसे आपने प्लान कर लिया तो आपने ये भी डिसाइड कर लिया कि आपने बीकॉम ही लेनी है, तो इनकी क्या ले लिया आपने, डिसीजन ले लिया। तो जब तक आप प्लान नहीं बनाओगे तब तक आप क्या नहीं कर सकते, डिसीजन भी नहीं ले सकते। तो डिसीजन लेने के लिए प्लानिंग बहुत ज़रूरी है। और एक ये मान लीजिए कि जब प्लानिंग कर रहे हो तो इट मींस आप क्या ले रहे हो, एक डिसीजन ले रहे हो। आप चौराहे पर खड़े हो जहाँ पर चार रास्ते हैं, आपको पता है आपको घर जाना है और आपको घर का रास्ता पता है, तो आप क्या करोगे, किसी एक साइड में चले जाओगे। आपको पता है नॉर्थ में मेरा घर है, तो आप अपने घर की तरफ चल पड़ते हो। यानी कि आपने क्या ले लिया, एक एक्शन ले लिया, डिसीजन ले लिया कि मुझे तो घर जाना है भाई, तो आपने उस रास्ते चल पड़े। तो यानी कि आपने क्या किया, प्लानिंग किया, क्योंकि मैं इस रास्ते जाऊँगा तो ही घर पहुँच पाऊँगा। अगर आप लेफ्ट वे में चले गए तो आप कभी घर नहीं पहुँच पाओगे, ठीक है। इसीलिए कहते हैं कि प्लानिंग में हमने जो डिसाइड कर लिया उसके हिसाब से हम चलेंगे, तो हमारा डिसीजन ले लिया हमने और हमारा वो सक्सेसफुल काम होगा ही होगा। उसके बाद प्लानिंग क्या करते हैं, एसेंशियल इन्वॉल्व द चॉइस फ्रॉम अमंग द अल्टरनेटिव एक्टिविटीज़। हमारे पास ऑप्शन कई सारे होते हैं, बट उसमें से चूज़ क्या करते हैं, सबसे बेस्ट ऑप्शन। और सबसे बेस्ट ऑप्शन को अल्टरनेटिव्स में से चूज़ करना, एक्टिविटीज़ में से चूज़ करना ही क्या कहलाता है, प्लानिंग कहलाता है। कि एक्टिविटीज़ को चूज़ किया जाए कौन सा हमारे लिए सबसे बेस्ट है। इफ़ देयर इज़
ओनली वन पॉसिबल गोल और ए पॉसिबल कोर्स ऑफ एक्शन, देयर इज़ नो नीड ऑफ प्लानिंग बिकॉज देयर इज़ नो चॉइस। मान लो आपके पास कोई ऑप्शन ही ना होता, सिर्फ एक ही काम है आपको, वही करना ही पड़ेगा, तो ऐसे में प्लानिंग करने की जरूरत है ही नहीं। तो प्लानिंग तो तभी जरूरत पड़ती है ना जब बहुत सारे काम हों और उनमें से कोई एक द बेस्ट वर्क आपको चूज़ करना है, तभी हम कहते हैं प्लानिंग करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आज के टाइम में कंपटीशन इतना ज़्यादा है, फर्म इतनी ज़्यादा हैं, प्रोडक्ट इतने ज़्यादा हैं, तो अगर अपने आप मार्केट में आपको स्टैंड करके रखना है तो आपको प्लानिंग तो करनी ही पड़ेगी। नेक्स्ट पॉइंट आपका और लास्ट पॉइंट है सेवन्थ, प्लानिंग क्या करता है। प्लानिंग इज़ अ मेंटल एक्सरसाइज, याद रखना प्लानिंग हमेशा दिमाग की कसरत है, मतलब ये दिमाग से किया जाने वाला काम है। जिस पर्सन को अपना दिमाग चलाना नहीं आता, जो दिमाग से बिल्कुल ख़त्म है, वो इंसान कभी भी मैनेजमेंट नहीं कर सकता, तो प्लानिंग का तो दूर का सवाल है, वो प्लानिंग भी नहीं कर सकता। यानी कि एक इंसान मेंटली स्ट्रांग होना चाहिए। दिमाग से किया जाता है प्लानिंग, यानी कि कौन करेगा, कब करेगा, कैसे करेगा, इन सब बातों का ज्ञान एक स्पेशलाइज नॉलेज वाला पर्सन ही कर सकता है। तो प्लानिंग के लिए एक विशेष ज्ञान होना चाहिए, और एक इंसान जो मेंटली ये काम करता है तो मतलब एक मेंटल एक्सरसाइज हो गई कि इंसान दिमाग से डिसीजन लेगा कि भाई क्या करना है, कब करना है। तो इसमें क्या होता है, प्लानिंग रिक्वायर द एप्लीकेबिलिटी ऑफ द माइंड इन्वॉल्विंग द फोरसाइट, मतलब दिमाग से काम करेगा और ये बताएगा कि उसकी जो एक्टिविटीज़ हैं कौन सी एक्टिविटी कब होंगी, लॉजिकल उसका क्या है, और जब वो काम करेगा तो उसका रिजल्ट क्या निकलेगा। ये सब चीज़ें दिमाग से सोच के समझ के फिर ही की जाती हैं, और काम उसी व्यक्ति को सौंपा जाता है जो उस काम में क्या हो, बिल्कुल परफेक्ट हो। तो ये था हमारा प्लानिंग। प्लानिंग हमने जाना कि प्लानिंग क्या होती है, प्लानिंग में किस तरह से हमारे काम को प्लान करके अच्छे तरीके से किया जाए ताकि कोई भी हमने काम किया है वो उसका कोई रिजल्ट जो निकलेगा वो क्या हो, बिल्कुल परफेक्ट हो। आइए एक बार रिवीजन ले लेते हैं फटाफट से। सबसे पहले फीचर में हमने क्या पढ़ा कि प्लानिंग क्या करता है, फोकस करता है ऑन अचीविंग ऑब्जेक्ट। हमारे जितने भी उद्देश्य हैं हम उन्हीं को ध्यान में रखते हुए ही अपने सारे प्लान तैयार करेंगे ताकि उनको ईजीली हम क्या कर सकें, अचीव कर सकें। एक भी प्लान कोई हमारा बनाने का मकसद हमारा यही होता है कि हम अपने जितने भी ऑब्जेक्ट हमारी फर्म के जो उद्देश्य हैं उनको हम पूरा कर सकें। दूसरा, प्लानिंग क्या है, एक प्राइमरी फंक्शन है। मैनेजमेंट जैसे ही स्टार्ट होता है हमारा पहला काम, मैनेजमेंट में पांच फंक्शंस होते हैं, पांचों में से सबसे पहले हम जो पढ़ रहे हैं वो क्या है, प्लानिंग है। तो मैनेजमेंट में सबसे पहला काम क्या होता है, प्लानिंग करना होता है। प्लानिंग क्या है, प्रेसिव है। मैनेजमेंट का कोई भी लेवल हो, टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लो लेवल, ये हम पढ़ चुके हैं पहले ही, हर लेवल पर मैनेजमेंट में क्या जरूरत है, प्लानिंग की जरूरत पड़ती है। हर लेवल का मैनेजर अपने डिपार्टमेंट के लिए स्पेशल प्लान तैयार करता है। प्लानिंग क्या है, एक कॉन्टीन्यूस प्रोसेस है, लगातार चलने वाला काम है। आज प्लानिंग कर रहे हो, कल करोगे, जब प्लान पूरा हो जाएगा, सक्सेसफुल हो जाएगा, आपको नए प्लान बनाओगे, आपका यही प्रोसेस लगातार चलता रहता है। प्लानिंग क्या है, फ्यूचरिस्टिक है, आज हमेशा भविष्य देखता है। प्लानिंग हम जो कर रहे हैं, प्लान जो बना रहे हैं वो किसके लिए हैं, फ्यूचर के लिए ही तो हैं, कि हमारी फर्म में क्या होना है, कब होना है, कैसे होना है, ये सब चीज़ फ्यूचर को लेकर के हम डिसीजन ले रहे हैं। तो ये सारा क्या है, फ्यूचरिस्टिक है। इसमें डिसीजन मेकिंग को इन्वॉल्व किया जाता है, यानी कि प्लानिंग कर ली तो समझो हमने फाइनली डिसीजन ले लिया कि हमने करना क्या है। उसके बाद लास्ट पॉइंट जो हमारा था वो था प्लानिंग क्या है, मेंटल एक्सरसाइज है, ये दिमाग से लिया जाने वाला काम है। अब दिमाग से अगर आप डिसीजन लोगे कि क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है, तो ही आप अपने बिजनेस में सक्सेसफुल बन सकते हो। थैंक यू स्टूडेंट्स। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक दिस वीडियो एंड शेयर विद फैमिली एंड फ्रेंड्स, आल्सो सब्सक्राइब आवर चैनल द वर्ल्ड क्लास ऑनलाइन कोचिंग सेंटर। कमेंट्स फॉर एनी क्वेरी, धन्यवाद।